पंजाब के मोगा से गिरफ्तार हुआ भगोड़ा अमृतपाल सिंह। सुबह 7:45 स्पेशल इनपुट के बाद पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया। अतीक मर्डर केस में आरोपी लवलेश का बड़ा कबूलनामा। अतीक अहमद से मिलने पहले भी प्रयागराज आया था लवलेश। तीनों आरोपियों की आज होगी कोर्ट में पेशी। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता पर बढ़ेगी इनाम की राशि। 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 इनाम करने का प्रस्ताव तैयार। शाइस्ता पर उमेश पाल केस में शूटर्स को फोन और पैसा मुहैया कराने का है आरोप। तेलंगाना दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह चवेल्ला में जनसभा को करेंगे संबोधित। ऑस्कर जीतने वाली फिल्म RRR की टीम से भी करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में दलित लड़की की मौत पर बीजेपी का प्रदर्शन। पीड़ित परिवार से जाकर मिले NCPCR के अध्यक्ष। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने की CBI जांच की मांग। पुंछ हमले में आतंकियों की तलाश हुई तेज। ड्रोन, खोजी कुत्तों और हेलीकॉप्टर से हो रही है तलाश। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में नेशनल हाईवे जाम। इंटरनेट सेवा बंद की गई। 12% आरक्षण की मांग कर रहा है सैनी समाज। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में किया जाएगा भव्य जलाभिषेक। 156 देशों की नदियों से आया है जलाभिषेक के लिए पवित्र जल। और News18 India लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए News18 India पर भरोसा जताया। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। News18 India बड़े अमृतपाल को पकड़ लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि भगोड़े अमृतपाल को पकड़ लिया गया है। पुलिस की उसको तुरंत ही असम के डिब्रूगढ़ जेल जो था वो शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की गई है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।